हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज हम जा रहे हैं रैना वाली माता के दर्शन करने। और ये जो रैना वाली माता है, इनकी बहुत मान्यता है। और ये धौलपुर से 20 किलोमीटर दूर राजाखेड़ा जगह है, वहाँ पर है। आगरा से भी ये नियर बाई है और ग्वालियर से भी। तो अगर आप आगरा आते हैं तो इनके दर्शन जरूर करें, इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और जो भी इनसे मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है, ऐसा कहना है लोगों का। और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हमेशा आते रहते हैं। हमने भी, क्योंकि मैं धौलपुर आया हुआ था, तो सोचा कि दर्शन किए जाए रहने वाली माता के। लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर यहाँ पे जो भी इनका घंटी है, प्रसाद है और चोला, ये चढ़ाने जाते हैं। और ये है इनका मंदिर, आप देख रहे हैं, ये इनका मेन गेट है जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं। और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। इन माता की खासियत ये है कि यहाँ पे ये कोई मंदिर नहीं है, ये एक तरह से ओपन प्लेस है जहाँ पे माता विराजमान है। और माता के दो मंदिर हैं, एक थोड़ा ऊपर जाके भेड़ों में है और एक बाहर की तरफ है। और सबसे अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी, आपको जब आप जहाँ जाएंगे तो आपको प्रॉपर रोड मिलेगा, आराम से आप गाड़ी ले जा सकते हैं और बिल्कुल बाहर तक आप रोक सकते हैं गाड़ी को, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे दूसरी बात ये भी अच्छी है कि ये ओपन प्लेस में है तो क्राउड फील नहीं होता, गर्मी वगैरह नहीं लगती है। आप देखते हैं किस तरह से ये नारियल के गोले हैं जो चढ़ाए गए हैं। और ये मेरा फेवरेट पोज, जो फैमिली के साथ में हमेशा देता हूँ, तो ये हमने ट्राई किया है क्लिक करने का। और एक जो खासियत है रहने वाली माता की, एक स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये माता पीलू के पेड़ के नीचे इनका स्थापन हुआ। और बाद में जब यहाँ पे मंदिर बनाने की कोशिश की गई और माता की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया, तो दूसरे दिन माता उसी पीलू के पेड़ के नीचे, जो खुले आसमान के नीचे पाई गई। और तभी से ये जो मंदिर है ये केवल एक नाम मंदिर का देके खुला पेड़ के नीचे माता को स्थापित किया गया है। और यहाँ पे ये इसका दूसरा मंदिर है जो मेन है, जो पहले था। और ये पीलू का पेड़ है जो आप देख रहे हैं घना, और यहाँ पे खुले में माता विराजमान है। और ऐसा मानना है लोगों का कि माता को इसी तरह का एनवायरनमेंट या इसी तरह की चीज़ें पीलू के पेड़ के नीचे ही चाहिए, उनको कोई टाइल्स का, मार्बल का, इस तरह का मंदिर नहीं चाहिए। और यही इस मंदिर की खासियत है, इसीलिए आप देख रहे हैं कितनी सारी यहाँ पे चुन्नियाँ बधी हुई हैं माता की, जो लोग की मन्नत से पूरी हो जाती है वो बांधते हैं। और ये जो जगह है वो काफ़ी एक तरह से खुली जगह है, एकांत में है और भेड़ों में है। अगर आप में से कई लोग भेड़ नहीं जानते तो ये मिट्टी के टीले होते हैं, मिट्टी चलो खाओ, जो यहाँ पे पहले डाकू वगैरह अपना अड्डा जमाते थे और रहते थे। और चारों तरफ इसके कंस्ट्रक्शन अभी चालू है, लेकिन रोड बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छा है। हम पूरा गाड़ी वहाँ से ले गए, ये हम यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं माँ की। पर ये एक मतलब अलग टाइप से फीलिंग आएगी क्योंकि पूरा ओपन है और माता पेड़ के नीचे विराजमान है। नॉर्मली आप जब मंदिर का नाम सुनते हैं तो कोई एकदम मार्बल और टाइल्स वगैरह का और एकदम इस तरह से होता है, लेकिन ये बिल्कुल ओपन स्पेस में एक डिफरेंट तरह का आपको फीलिंग आएगा, एक मतलब बहुत ही अच्छा एहसास आएगा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। पेट पूजा ज़रूर कीजिए जब भी आप धौलपुर आएँ। ये है जोधपुर मिष्ठान भंडार और काफ़ी बड़ा इनका ये ब्रांच ओपन किया गया है इन्होंने। हम भी वहाँ गए थे इवनिंग में, हमने भी काफ़ी मस्ती की, छोले भटूरे और हर तरह की चीज़ आपको मिलेगी। और ये लास्ट में मैंने ना अपना जो भी वीडियो बनाया उसका एक छोटा सा क्लिप बनाया है, अगर कोई फास्ट फॉरवर्ड में देखना चाहे तो उसके लिए है ये क्लिप। तो बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टिल देन, बाय।